सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में आरोपी को बचाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का न्यायपीठ प्रिय जज जो रहेगा वो डेफिनेटली उन अधिकारियों को सजा देगा। मेजोरिटी वकीलों को या तो कानून पता है या तो नहीं पता। जिनको पता है वो बड़े बड़े फीस वाले वो क्या सोचते हैं, जज के खिलाफ जाना कि नहीं जाना। और कुछ है बोलते जाने दो, अपने को उसके पास दूसरा काम पड़ता है। तो जब तक इस देश के वकील अपनी फी प्रोफेशन इसके सोच से ऊपर उठेंगे, वो अगर इससे नहीं उठेंगे तो देश ऐसा ही अंधकार की तरफ गड्ढे में जाता रहेगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वकीलों का भी है, आम आदमी को बेचारे को पता नहीं तो वो हमारा जिम्मेदारी है आम आदमी तक ये लॉ पहुंचाना। और इन जो कोई बड़ी पोस्ट पर है उनकी गलतियां उजागर करना है हर आम आदमी का जिम्मेदारी। तो ऐसा मान के चलिए हमने इस मामले में एक्सपर्ट्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट के आधार पर एक जजमेंट दिया कि ये अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन का वायलेशन किया, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में आरोपी को बचाने का प्रयास किया, या फिर ये जज ने ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ काम किया। तो पहली चीज थी कि उन्होंने अपने आप से ही उस निर्णय का पालन करना चाहिए था। दो जजमेंट है, री एमपी निविति का जजमेंट है और एक प्रिया गुप्ता का जजमेंट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जज को सजा दी था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं था, लॉ मुझे पता था, डिफेंस चलेगा नहीं, तुम गिल्टी हो कंटेम्प्ट के, तो वो मजिस्ट्रेट को सजा दे। लेकिन मान के चलिए बुरे से बुरा कंडीशन, ठीक है भाई पहले नहीं पता था, उस पे हम बाद में देख लेंगे। आप इस जनता की महाअदालत के जजमेंट में पूरा लिखकर आ गया है कि आपने इस कानून का उल्लंघन किया, आपको ये करना चाहिए था, आपने ये नहीं कहा, इसलिए इस सेक्शन के तहत आप दोषी हो। आप उस अधिकारी के, उस जज के सारे डिफेंस खत्म। आप नहीं मानेगा तो कोई भी कॉमन मैन बोलेगा मैं पीड़ित हूं इनके इस अन्यायपूर्ण कामों से। कोई भी कॉमन मैन एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा पाएगा, और वो लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का न्यायपीठ प्रिय जज जो रहेगा वो डेफिनेटली उन अधिकारियों को सजा देगा। या तो कम से कम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा कि जो फाइंडिंग हमने दी है वो गलत है, हमारा कानून गलत है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो उन अधिकारी को सजा देना पड़ेगा। या तो उन अधिकारियों को सजा देने से बचने के लिए या उनको बचाने के लिए जो भी प्रयास करेगा वो भी आरोपी रहेगा। तो इस अदालत के निर्णय की वैल्यू क्या है ये शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। एक सवाल यह है कि जो एमेकस ने उठाया, हमारे केसेस में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आरोपी हैं, जैसा जेएस खेर वगैरह हो गए, तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है तो उसकी गलती आप लोग कैसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसा कैसा एक पॉसिबल है कि वो आदमी गलती करे, या फिर ये कहना ठीक होगा क्या कि वो व्यक्ति गलत है। ये कॉमन मैन का सवाल है। अभी देख लीजिए, ये विषय आया था सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास एसपी गुप्ता के केस, और दूसरा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मजदूर संघ का एक जजमेंट है 1991 का, तो वो साइटेशन दिए हुए अपने पास वेबसाइट पे। ये दो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र बड़ी हो गई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुंच गया, स्पेसिफिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन है एसपी गुप्ता के केस में, तो इसका मतलब
उसने जो कहा सब फाइनल है, वो गलतियां कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है।